अल्बेनिया की वीजा और अल्बेनिया की जॉब दोनों अपने पास आ गई है। वीडियो एंड तक देखो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई, जैसा तुम लोग ने वीडियो के स्टार्ट में देखे कि अल्बेनिया का काम अपने पास आया, तो भाई अल्बेनिया का काम अपने पास आ गया है। इसमें अपने पास बहुत सारी वैरायटी में जॉब्स अवेलेबल है। अल्बेनिया का अपने पास विजिट वीज़ा भी अवेलेबल है, वर्क परमिट भी अवेलेबल है, दोनों चीज़ें अपने पास अवेलेबल है और बहुत स्मूथ और बहुत फटाफट इसका काम हो रहा है। अगर वर्क परमिट पर अपन जाना चाहते हैं तो 2 महीने में काम हो जाएगा और विजिट टू वर्क करवाना चाहते हैं तो 1 महीने में काम हो जाएगा। बहुत अफोर्डेबल पैकेजेस है, जॉब्स में भी इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है भाई। जैसे कि अगर मैं तुम लोग को बेसिक जॉब बताऊँ जो तुम्हारे को मिलती है वर्क परमिट वाले काम पे, तो फॉर एग्जांपल अगर समझ लो, पकड़ लो, अपन बात करते हैं पैकिंग हेल्पर के बारे में, तो एक पैकिंग हेल्पर की सैलरी मरी से मरी हालत में इंडिया का 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख तक बन जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और दूसरे भी जॉब्स उसमें अवेलेबल है, जैसे कि ट्रेड वाले हो गए, कंस्ट्रक्शन वाले हो गए, ये सब भी जॉब्स अपने पास अवेलेबल है अल्बेनिया के लिए, ठीक है। इसके अलावा अपने पास है ना हेयर स्टाइलिस्ट का ओपनिंग है अल्बेनिया में, वेटर की ओपनिंग है अल्बेनिया में इंडियन रेस्टोरेंट में, और शेफ़ की भी ओपनिंग है अपने पास अल्बेनिया में इंडियन रेस्टोरेंट में, ठीक है। इसके अलावा अपने पास दूसरी भी ओपनिंग्स आई हुई है अल्बेनिया की, और एक एक कंट्री है जिसका मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, मैं वो अगली वीडियो में बताऊँगा, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन इस वक्त अपन सिर्फ अल्बेनिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई अल्बेनिया का अगर वीज़ा अपन करवाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही मिनिमल होने वाला है। जैसे कि मेरे को सिर्फ आपका पासपोर्ट का भी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, और इसके अलावा आपका एडुकेशनल डॉक्यूमेंट और आपकी CV, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो विजिट वीज़ा होवे, चाहे वो वर्क परमिट होवे, बैंक स्टेटमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, PCC इज़ नॉट रिक्वायर्ड। फटाफट प्रोसेस होएगा, विद इन 2 मंथ्स फ्लाई है वर्क परमिट के ऊपर और विद इन 1 मंथ फ्लाई है विजिट टू वर्क के ऊपर, ठीक है। अल्बेनिया के बारे में तुम लोग गूगल पे एक बार रिसर्च कर लो तो तुम लोग को आइडिया आ जाएगा कि कंट्री कैसी है, क्या है, और अल्बेनिया कैसा लगता है। उसका थोड़ा बहुत फोटो वोटो इधर मैं डाल दूंगा तो तुम लोग यहाँ पे देख के समझ जाएंगे कि अल्बेनिया का कैसा क्या हिसाब किताब रहता है। तो अल्बेनिया का जो है भाई स्टिकर वीज़ा नहीं आता है, अल्बेनिया का ई वीज़ा आता है। तो इंशाल्लाह तुम लोग का फटाफट प्रोसीजर भी हो जाएगा और तुम लोग सेट भी हो जाएंगे। बहुत टाइम से मेरे को लोग बोल रहे थे कि भाई अल्बेनिया, साइप्रस, सर्बिया, ये सब का काम निकालो। तो भाई साइप्रस और सर्बिया से अच्छा अल्बेनिया लगा अपने को, क्योंकि उसमें कैसा है ना कि अपने इंडियन लोगों को बहुत बेनिफिट है, वीज़ा प्रोसेसिंग से लेके, काम से लेके, हर चीज़ से लेके इंडियंस के लिए बहुत बेनिफिशियल है अल्बेनिया। तो इसके लिए अपन ने अल्बेनिया का ऑप्शन डाल दिए। इसके अलावा भाई आर्मेनिया का काम अपना चालू है बाइक डिलीवरी का एज़ यूजुअल। तो जिसको आर्मेनिया के लिए अप्लाई करने का, भाई आर्मेनिया के लिए भी तुम लोग कर सकते हो। अल्बेनिया में भी अपने पास बाइक डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उसमें सैलरी थोड़ी कम है। आर्मेनिया में सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिल रही है बाइक डिलीवरी वालों को और अल्बेनिया में कम मिल रही है, लेकिन दूसरे जो काम है उसमें अल्बेनिया में सैलरी बहुत अच्छी है। तो जिसको भी अप्लाई करने का है ना भाई, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है हमेशा की तरह, तुम लोग फटाफट मैसेज कर लो और कॉन्टैक्ट कर लो, इंशाल्लाह तुम्हारा काम हो जाएगा। एकदम मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पे अपन तुम्हारा काम पटा के इंशाल्लाह कर देंगे। ये एक छोटी सी अपडेट देने का था कि भाई अल्बेनिया का काम अपने पास आ गया है, तो जिसको भी करना है भाई फटाफट अप्लाई कर लो। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखो, टेक केयर, मा सलामा।